अखिलेश यादव ने तमाम तीखे हमलों को झेलने के बाद मैनपुरी में हर आलोचक को जवाब दिया। अखिलेश ने पूछा कि जब आजम खान पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे तब ये तमाम लोग कहां थे? वो 2 साल से जेल में थे, इस बीच कोई उनसे मिलने क्यों नहीं गया? आखिर अब ऐसी होड़ क्यों मची है? साफ है, उन्होंने इस बयान के जरिए सपा के खिलाफ नई सियासी साजिश का इशारा किया। आजम के नाम पर लगातार तीखे तंज पर अखिलेश का पलटवार। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आजम के नाम पर पिता मुलायम और खुद पर हो रहे तीखे हमले का अखिलेश ने सीधा जवाब दे दिया। उन्होंने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया तो समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना बड़ा हो चला है। मुलायम को मुल्ला की उपाधि और अखिलेश को आजम की तरफ से टीपू सुल्तान का तमगा याद दिलाने वाले इस मौलाना की इतनी चर्चा यूपी की सियासत में इससे पहले शायद ही कभी हुई हो। लेकिन जिस तरह एक मौलाना ने आजम पर जुल्म को मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बताकर मुलायम पर तंज किया, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि आजम खान के खेमे की तरफ से यूपी की सियासी पिच पर अब कैसी बैटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करते हुए मैंने मुलायम सिंह यादव के जो पुराने साथी हैं आजम खान साहब की रिहाई के लिए मुलायम सिंह को मैंने याद दहानी कराई है और जो तकलीफ़ है मुसलमानों को एहसास हुआ है उसको हमने उसका इजहार किया है पत्र के माध्यम से। मामला कोर्ट में है। कानून की नज़र में आजम खान की जेल की कोठरी के भीतर की हैसियत सिर्फ एक आरोपी की है। उन पर लगे आरोप सही हैं या गलत इसका फैसला कोर्ट को करना है। अखिलेश यादव इसी बात की दुहाई देते हुए कह चुके हैं कि मामला अदालत में है और सपा आजम को हर कानूनी मदद देने को तैयार है, लेकिन आजम खान के नाम पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर तीखे जुबानी हमले थम नहीं रहे। एक दिन पहले प्रसपा अध्यक्ष और सपा के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने भी अपने बड़े भाई पर सवाल खड़े किए थे। वही बात अब बरेली के इस मौलाना ने दोहरा दी है। देखिए, आजम भाई को छोटे छोटे केसों में लेकर के 26 महीना हो गए हैं तो उनको परेशान किया जा रहा है, परेशानी में है, दिक्कत में है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो जब जुल्म हो रहा है तो ऐसे में सब लोगों को मदद करना चाहिए है। तो हम भी गए थे तो मैंने तो कहा था कि नेताजी की अगुवाई में खासकर समाजवादी पार्टी को अगुवाई नेताजी को करना चाहिए था। और मुलायम सिंह यादव जी के मित्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनको चाहिए था कि वो प्रधानमंत्री से बात करते कि आजम खान साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और पार्लियामेंट में भी उनको आवाज़ उठानी चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव ने न पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई और न प्रधानमंत्री से इस सिलसिले में बात की। सुना आपने, मुलायम सिंह यादव को लेकर जैसी बातें पहली बार शिवपाल ने कही ठीक वैसी ही बात बरेली के दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी कही। अब सवाल है कि यह महज संयोग है या फिर मुलायम अखिलेश को घेरने के लिए बड़े पैमाने पर बैटिंग हो रही है। बुरे वक्त में आजम को अकेला छोड़ने के आरोपों की अचानक बारिश क्यों? क्या सियासी नेताओं की बयानबाजी और धार्मिक संगठन के नेताओं के बयानों में कोई संबंध है? संबंध चाहे जो भी हो, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने कह दिया है कि वो भी सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मिल सकते हैं। उस समय आएगा तो मैं भी जाऊंगा, उस समय आएगा तो मैं भी जाऊंगा। दरअसल आजम अब तक चुप हैं, लेकिन सीतापुर जेल में मिलने गए सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को बैरंग लौटाकर और शिवपाल यादव से लेकर कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम से फौरन मुलाकात कर उन्होंने अपनी नाराजगी का संकेत तो जरूर दे दिया था।
अब सवाल है कि क्या आजम के नाम पर मुस्लिम धर्म गुरुओं का इस कदर सामने आना और मुलायम अखिलेश पर चोट करना एक तय रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद सपा को मुस्लिम विरोधी पार्टी साबित करना है। मगर अब समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह की थी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जमीन और आसमान का फर्क हो गया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितोषी नजर नहीं आती है। सपा इन तमाम चुभने वाले हमलों पर संभल कर जवाब दे रही है। ये सब जो चीजें हैं उसको प्रदेश की जनता भी जान रही है, कौन लोग उठा रहे हैं, कौन लोग इस बात को कह रहे हैं। आजम साहब 2 साल से जेल में हैं। किसी एक नेता ने क्यों नहीं सोचा इसके पहले कि हम जाकर के आजम खान साहब से मुलाकात करें, जो बसपा और भाजपा या कांग्रेस के लीडर्स हैं। लेकिन आप अगर देखें तो दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, नेताजी की चिंता और एक एक कार्यकर्ता की चिंता अपने नेता आजम खान साहब के लिए रही है और वो बनी रहेगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सीतापुर जेल जाने की संभावना जताने वाले अखिलेश खुद आजम से मिलने कब जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।